बिहार पोल पर बिहार का इलेक्शन जैसे ही मतलब घोषित हुआ, अपना गोदी मीडिया एकदम सक्रिय हो गया। भाई पैसे जो लेते हैं साहिब लोगों से, वो पैसे लेते हैं कारपोरेट्स, तो फिर पत्रकार भी बेचारे वही करेंगे। कौन सी गलती अंजना ओमकश्यप की, और कौन सी गलती रोहित सरदाना की, कौन सी गलती रजत शर्मा की, कौन सी गलती किस किस की। ये बेचारे तो इनोसेंट लोग हैं यार, जो इनको बोला जाता है वही कर देते हैं। लेकिन यहां हुआ क्या, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भक्त हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। अरे इतने बड़े वाले भक्त हैं यार, मैं बता नहीं सकता। कम से कम जो लोग कभी राहुल गांधी से हाथ मिलाने में अपना समझते थे कि यार हमें तो स्वर्ग मिल गया, राहुल गांधी तो बड़े अच्छे नेता हैं, कुछ ऐसे ही पत्रकार पोल चलाते हैं जैसी इलेक्शन की तारीखें डिक्लेयर करता है चुनाव आयोग। अब जब चुनाव आयोग डिक्लेयर करता है तो उस पर भैया वोट आते हैं इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,81,371 वोट आते हैं ट्विटर पोल पर, जिसमें सुशांत सिन्हा नाम का एक पत्रकार पूछता है हु विल विन बिहार इलेक्शन 2020। तो भैया उसमें वोट मिलते हैं जेडीयू और बीजेपी को 42% और आरजेडी प्लस को मिलते हैं 58% वोट, मतलब हार तो हो गई। अब जो कल का पोल था एवीपी, जो मैंने कल आपको बताया था संध्यास्पद, जिसके बारे में मैंने कल बात की थी, तो वो तो हवा निकल गई पहिए की। अब ये हवा आगे और निकाल देता है भास्कर की एक रिपोर्ट। भास्कर की एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये कहा जाता है, और वो जो कहा जाता है वो वाकई बहुत शर्मनाक होता है, और खास तौर पर नीतीश कुमार के लिए शर्मनाक होता है, क्योंकि हवा बह रही है युवाओं के लिए। दैनिक भास्कर बोलता है 95% की राय जो बिहारियत की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा, टूटेगा जाति पैसे से जीत की गणित गढ़ने वालों का भ्रम। अब चुनावी पैंतरे जो जीते थे वो पुराने पैंतरे निकल गए, नए लोग भी आ गए। सवाल किया दैनिक भास्कर ने, पढ़ा लिखा नेता चाहिए, 2.3% बोले कि दबंग चाहिए, 3.1% बोले जाति के आधार पर, 94.6% बोलते हैं कि कम से कम शिक्षा में होना चाहिए। दूसरा सवाल था बिहारी प्राइड पर बहस कितनी जरूरी है, 17.8% वोटर्स ने बोला। ये जो किया था उन्होंने पूरा सर्वे कुछ 25 से 50 हज़ार लोगों के बीच किया था, लेकिन जो मैंने आपको डाला है वो लाख के बीच डाल दिया है। अब बिहारी प्राइड पर बहस की बात है तो 23.9% लोगों ने समय की मांग की, लेकिन 58.3% ने बोला कि बहुत जरूरी है। तो बस इसी आधार पर दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट जो छपी, और जिस तरह से सुशांत सिन्हा की किरकिरी हुई, उससे लगता है कि नीतीश कुमार जो हैं दोबारा चुनाव तो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ना तो बिहारी अपना कष्ट भूला है जो आया था। एक रिपोर्ट और आई जो फेक छपाई गई, जिसमें बोला गया कि 5,230 लोग अप्रवासी थे जो आए बिहार में, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वोटिंग में, लेकिन कितने आए कितने नहीं आए ये तो समय बताएगा, वोटिंग के टाइम पर बताएगा, या ईवीएम के मशीन के द्वारा ये फिर से चुनाव जीता जाएगा ये तो वक्त तय करेगा। खबर देने का मेरा काम था, ओपिनियन पोल देने का मेरा काम था। जब ट्विटर पर इतना ज्यादा विरोध मोदी सरकार का और आरजेडी और नीतीश का हो रहा है, तो जीत कैसे सकते हैं चुनाव, कैसे जीतेंगे चुनाव, ये बता दीजिए दोस्तों। कैसी लगी ये रिपोर्ट जरूर बताइएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।